गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम सोनू हियर. वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू. इफ यू आर न्यू मेंबर इन डिप्लोमा विद सोनू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल स्टार्ट दिस वीडियो. इफ यू नीड्स नोट्स ऑफ दिस लेक्चर प्लीज सी इन डिस्क्रिप्शन बिलो. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कैम्ब. In this lecture, we will discuss about cabs, road margin and road formation and right of way. So friends, we will start this lecture as cabs. What do you mean by cabs? सबसे first point जो हमारा होता है वो cabs क्या होता है. So friends, cabs देखिए क्या होता है. Cabs indicates the boundary between the road carrying way and the soldier. और आइलैंड्स और फुटपाथ्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आर सोन इन फिगर. जैसे कर्व क्या होता है, ये एक बाउंड्री होता है किसके किसके बीच में, कैरिंग वे और सोल्जर्स के बीच में. जैसे कैरिंग वे मतलब क्या कि जो रोड का रास्ता है और उसके बगल में क्या होगा, फुटपाथ बना हुआ होगा. तो ये फुटपाथ और कैरिंग वे के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे बना हुआ होता है मेम्बर, वर्टिकल मेम्बर होता है अबाउट टू थ्री बोल सकते हैं हम लोग, क्या 20-30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो इतना अप्रॉक्स क्या होता है, वो वर्टिकल मेंबर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्स. तो आप कर्व्स यहाँ से समझ गए होंगे. अब देखिए बहुत सारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ कर्व्स होता है. सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए माउंटेबल कर्व्स. माउंटेबल कर्व्स का अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो इसका जो वर्टिकल मेंबर होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, और जो ये कैरिंग वे और इधर सोल्जर के बीच में ये थोड़ा कर्व्स टाइप बना हुआ होता है, इसी चलते हम लोग इसको बोलते हैं माउंटेबल कर्व्स. अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा टाइप आता है सेमी बैरियर टाइप. सेमी बैरियर टाइप में देखिए, जैसे ये बैरियर के रूप में यहाँ पे काम करता है कि इस टाइप में कि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी का जैसे एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पे ये जब टकराएगा इससे तो वो गाड़ी इस रोड के बाद इधर नहीं जा पाएगा. एक बैरियर के रूप में ये काम करता है. जो कर्व्स जो हमारा होता है ये एक बैरियर के रूप में यहाँ पे काम करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सेमी बैरियर टाइप. अब देखिए इसका जो वर्टिकल मेंबर होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है. यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स. इसके अगले जो हम लोग देखते हैं बैरियर टाइप और सबमर्ज टाइप. बैरियर टाइप में देखिए एक और आता है जिसका शेप ट्रेपेजॉइडल शेप जैसा होता है, जिसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल मेंबर होता है उसका स्पेसिफिकेशन 20 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो कर्व्स ये जो स्लोप बना हुआ है इसमें 1:4 का वहाँ पे रेशियो लेकर बनाया जाता है. फिर आता है सबमर्ज कर्व. सबमर्ज कर्व में आप लोग देख रहे होंगे जो कर्व होता है क्या कि ये कैरिंग वे के नीचे बनाया जाता है, और मतलब कि इसका इस शेप रहता है कि सबमर्जिबल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कर्व्स. अब इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में हम लोग फिगर देख चुके हैं. अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसका पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है लो और माउंटेबल कर्व्स. लो और माउंटेबल कर्व्स में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. These types of curves are provided such that they encourage the traffic to remain in the through traffic lanes and also allow the drivers to enter the soldier area with little difficulty. ये देखिए क्या होता है कि ये low और mountable curves वहाँ पे help करता है जहाँ पे जब जैसे ये road बना हुआ है इसमें अगर टू लेंस का रोड है इधर टाइप में अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो अगर कोई ड्राइवर अगर चाहे कि इस रूट से जाए तो इसमें इसको थोड़ा सा ही डिफिकल्टी होगा इस कर्व्स को ये क्रॉस करके इस रोड पे आ सकता है. तो इस शेप में ये बनाया जाता है. द हाइट ऑफ दिस कर्व्स इज अबाउट 10 सेंटीमीटर. जो इसका हाइट होता है कर्व्स का वो 10 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा. लोअर माउंटेबल कर्व्स का जो हाइट होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है. द पेवमेंट एज विथ द स्लोप विच अलाउज द vehicle to climb easily. This is usually provided at medians and channelization schemes and also helps in longitudinal drainage. ये longitudinal drainage का भी help करता है कि जैसे देखिए कि ये अगर बोल दे कि ये road है, ठीक है ये road है, इसके बाद में अगर हम बोलें कि यहाँ पे दे दिए हैं curves को बना दिए हैं इस टाइप में, यहाँ पे curves को बनाया गया है और इसके बाद में भी यहाँ पर एक और road है, ठीक है ये एक और road अगर बोलें यहाँ पे एक और रोड है, तो यहाँ इसमें से जो अगर वाटर का जो यहाँ पे
यहाँ पे जो वाटर इस रोड से फिर इस रोड पे जाएगा तो यहाँ पे इसको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, बिकॉज कप्स का जो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस होता है वह स्मॉल होता है, तो इस कप्स के ऊपर से भी इस पर पानी चला जाएगा, फिर इधर से ड्रेनेज सिस्टम में पानी चला जाएगा। अगर इस टाइप में बना हुआ है तब नहीं, तो इधर से भी पानी जा सकता है, लेकिन अगर हाँ इधर स्लोप कम है तो इधर भी पानी जा सकता है, तो ड्रेनेज के लिए भी बनाया जाता है इसको। फिर सेमी बैरियर टाइप, सेमी बैरियर टाइप का हम फिगर देख चुके हैं, इस टाइप में कुछ फिगर इसका होता है सेमी बैरियर टाइप। अब देखिए सेमी बैरियर टाइप में क्या बोला गया, फेन द पेडेस्ट्रियन, वेन द पेडेस्ट्रियन इज हाई, क्या जब पेडेस्ट्रियन हाई हो, दीज कप्स आर प्रोवाइडेड, देयर हाइट इज 15 सेंटीमीटर एबव द पेवमेंट एज, जिस जो इसका हाइट होता है 15 सेंटीमीटर होता है पेवमेंट एज से ज़्यादा उसका ऊंचाई, ठीक है 15 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद में दिस टाइप ऑफ कप्स प्रिवेंट्स इनक्रोचमेंट ऑफ पार्किंग व्हीकल्स, बट एट एक्यूट इमरजेंसी इट इज़ पॉसिबल टू ड्राइव ओवर द इस कप्स विथ सम डिफिकल्टी। ये देखिए ये कप्स जो होता है यहाँ पे पार्किंग के लिए बनाया जाता है, कि इसमें पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह टाइप रह सकता है, कि यहाँ पे पार्किंग गाड़ी का हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है पेडेस्ट्रियन को बनाया जाता है, पेडेस्ट्रियन का अगर हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस कप्स का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सेमी बैरियर टाइप समझ गए होंगे। फिर आता है एक बैरियर टाइप कप्स, बैरियर टाइप्स कप्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिगर भी समझ चुके थे। अब देखिए बैरियर टाइप्स कप्स को सबसे आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो यहाँ पे थ्योरी क्या बोला गया है, दे आर डिजाइन टू डिस्करेज व्हीकल्स फ्रॉम लीविंग द पेमेंट, ये जो पेमेंट होता है उससे बाहर जाने में गाड़ियों का ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होता है बैरियर टाइप में। बैरियर टाइप का आप लोग फिगर देख चुके होंगे, इस टाइप का होता है, अगर गाड़ियाँ इधर से इस रोड पे जाना चाहे इस टाइप से, तो यहाँ पे जो स्लोप बना हुआ है ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा जो कार व्हीकल्स का जो वहाँ पे टायर्स होगा उसको इस टाइप में इधर आने से थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करने के ही कारण क्या होता है, ये डिस्करेज करता है व्हीकल्स को लीव पेमेंट को छोड़ने में, या पेमेंट से एक दो पेमेंट से दूसरे पेमेंट पे जाने में। दे आर प्रोवाइडेड वेन देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, दे आर प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर का हाइट पे इसको बनाया जाता है। द पेमेंट एज बी द स्टीप बैटर, ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, 20 सेंटीमीटर की इसको वर्टिकल हाइट पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो बैरियर टाइप्स कप्स होता है उसको 20 सेंटीमीटर वर्टिकल टाइप में बनाया जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सबमर्ज कप्स, सबमर्ज कप्स को हम लोग देखते हैं कि दे आर यूज्ड इन रूरल रोड्स, ये रूरल रोड्स में यूज किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड होता है वहाँ पे उपयोग किया जाता है सबमर्ज कप्स का, जो गांव विलेज वगैरह में यहाँ पे उपयोग करते हैं हम लोग सबमर्ज कप्स का। द कप्स आर प्रोवाइडेड एट पेमेंट एज, ये पेमेंट एज पे ही कप्स को बनाया जाता है, इसी चलते इसको सबमर्जिबल, जैसे अगर ये रोड है तो इसी के हाइट के इतना पर ही हम लोग कप्स को बना देंगे, तभी इसको हम लोग बोलेंगे सबमर्ज कप्स या सबमर्जिबल कप्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो मतलब कि सबमर्ज कर सके, जो रोड के हाइट से नीचे हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं। दे प्रोवाइड लैटरल कॉन्फिडेंट एंड स्टेबिलिटी टू द पेमेंट, ये स्टेबल पेमेंट को स्टेबल करने में भी हेल्प करता है, कि देखिए इसका ही हाइट पर बना हुआ रहेगा तो पेमेंट जल्दी ख़राब नहीं हो पाएगा, इस चलते इसको भी हेल्प करता है पेमेंट को भी। फिर इसके बाद में हम लोग का पॉइंट आता है, यहाँ तक हम लोग का कप्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है रोड मार्जिन्स, अब रोड मार्जिन्स क्या है हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट द पोर्शन ऑफ द रोड बियॉन्ड द कैरिंग वे ऑन द रोड वे कैन बी जनरली कॉल्ड रोड मार्जिन, वेरियस एलिमेंट्स दैट फ्रॉम द रोड मार्जिन्स आर गिवन बिलो, देखिए जो भी पोर्शन कैरिंग वे के बाद में रोड पे है, जैसे रोड का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे भी बनाया गया है, उसमें कैरिंग वे के जो हटा के अगर हम लोग जो भी स्ट्रक्चर को देखें तो उसको हम लोग रोड मार्जिन्स में लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो रोड मार्जिन्स में, उसको सोल्जर बोलते हैं। सोल्जर आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, सोल्जर मतलब क्या, जो रोड के किनारे जो हम लोग स्पेस को छोड़ते हैं उसी को हम लोग सोल्जर बोलते हैं। सोल्जर आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द रोड एज, रोड एज रोड के किनारे छोड़ा जाता है, आर इंटेंडेड फॉर एकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल, जो पार्किंग के लिए मिनिमम आप समझ लीजिए कि सोल्जर्स का हम लोग पार्किंग के लिए उपयोग करते हैं। सर्व एज एन इमरजेंसी लेन फॉर द व्हीकल्स, इमरजेंसी में व्हीकल्स को हम लोग
चला सकते हैं उस पे सोल्जर पे एंड प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू द बेस एंड सरफेस कोर्सेज। ये लैटरल सपोर्ट देता है पेवमेंट को और सरफेस को। द सोल्जर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द वेट ऑफ फुली लोडेड ट्रैक एंड इवन इन बेड कंडीशन। जो सोल्जर का जो वहाँ पे स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, जो जो विंटर सीजन में भी क्या होना चाहिए लोडेड ट्रैक का, वहाँ पे वो वेट को सहन कर ले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द सोल्जर विड्थ शुड बी एडेक्वेट फॉर गिविंग वर्किंग स्पेस अराउंड अ स्टॉप्ड व्हीकल्स। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव अ विड्थ ऑफ 4.6 मीटर फॉर द सोल्जर। देखिए, जो सोल्जर का जो विड्थ होना चाहिए मिनिमम 4.6 मीटर होता है। द मिनिमम विड्थ ऑफ 2.5 मीटर इज रिकमेंडेड फॉर टू लेन। अगर टू लेन रूरल हाईवे अगर है तो उसमें 2.5 मिनिमम वहाँ पर विड्थ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्किंग लेंस, जो कि हमारा रोड मार्जिन का सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्किंग लेंस। पार्किंग लेंस में देखिए क्या होता है, पार्किंग लेंस आर प्रोवाइडेड इन अर्बन लेंस। जो अर्बन जो शहरी क्षेत्र में जो रोड बनाया जाता है, जो लेन बनाया जाता है फॉर साइड पार्किंग, साइड पार्किंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लेन है, अगर हम लोग बोलें कि ये लेन है और लेन के किनारे में जो बनाया जाता है पार्किंग लेंस, जैसे कोई गाड़ी इधर से जा रही है, जैसे ये गाड़ी मतलब इधर से जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, इस गाड़ी को यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये जब गाड़ी इधर आएगी तो उसके बाद में अगर इसको चाहिए कि हमको थोड़ा देर रुकना है और उसके बाद में जाना है, तो ये यहाँ पर अपने गाड़ी को स्टॉप कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पार्किंग लेंस को हम लोग बनाते हैं गाड़ियों को पार्क करने के लिए ऑन द लेंस, बिकॉज इट इज़ सेफ फॉर द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। अगर आप गाड़ी को अगर रोड मूविंग रोड पे जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है अगर वहाँ पे रोकिएगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा हो जाता है, जिसके चलते क्या पार्किंग लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द पार्किंग लेंस शुड है अ मिनिमम ऑफ 3.0 मीटर विड्थ इन द केस ऑफ पैरेलल पार्किंग। अगर पैरेलल पार्किंग है तो 3.0 मीटर विड्थ यानी 3 मीटर विड्थ मिनिमम होना चाहिए। द फिर है बस बेज के बारे में हम लोग देखते हैं। बस बेज आर प्रोवाइडेड बाय रेसिसिंग द कर्व्स फॉर बस स्टॉप्स। दे आर प्रोवाइडेड सो दैट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इन द कैरिंग वे। दे शुड बी एटलीस्ट 75 मीटर्स अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन सो दैट द ट्रैफिक नियर द इंटरसेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाई द बस वे। बस वे मतलब क्या, बस का शॉपेज मतलब बस का पार्किंग के लिए हम लोग जो जगह को बनाते हैं उसको बस वेज बोला जाता है। बस वेज को इस तरह बनाया जाता है कि जो रोड इंटरसेक्शन जो है उससे 75 मीटर्स की दूरी पर बसवेज को बनाया जाता है। बसवेज को बनाने के पीछे मकसद ये है कि बसवेज को हम लोग बनाते हैं ड्यू टू पार्किंग ऑफ लार्जर व्हीकल्स या बिगर व्हीकल्स, उसको बनाने से क्या वहाँ ट्रैफिक को भी वहाँ पे नुकसान नहीं हो, इसलिए हम लोग बसवेज का बनाते हैं, बसवेज को इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सर्विस रोड। अब देखिए सर्विस रोड में हम लोग सबसे आगे समझते हैं कि यह क्या होता है। सर्विस रोड्स और फ्रंटेज रोड्स गिव एक्सेस टू एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज लाइक फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवेज। देखिए ये सर्विस रोड क्या होता है, फ्रंटेज रोड होता है जो हेल्प करता है फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे को कंट्रोल करने में। दे रन पैरेलल टू द हाईवे एंड विल बी यूजुअली आइसोलेटेड बाय द सेपरेटर एंड एक्सेस टू द हाईवे विल बी प्रोवाइडेड ओनली एट अ सिलेक्टेड पॉइंट। देखिए जो हाईवेज के किनारे किनारे आप लोग देखिएगा छोटा रोड बना हुआ होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है हाईवे को कि अगर आपको हाईवे नहीं लेना है तो आप किनारे किनारे भी जा सकते हैं, उसका साइड से जा सकते हैं, एज से जा सकते हैं। अगर आपको हाईवे पर जाना है तो उसके बाद में कुछ ही पॉइंट के बाद में हाईवे पर आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से सर्विस रोड को डिजाइन किया जाता है। दीज रोड्स आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड कॉन्जेस्टियन इन द एक्सप्रेस वे एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक इन दोज लेंस इज नॉट रिड्यूस। देखिए वहाँ पे क्या होता है, स्पीड वहाँ पे हम लोग रोड्स को इसलिए बनाते हैं ताकि जो अवॉइड कर सके एक्सप्रेस वे को, और स्पीड अगर वो आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्रेस वे या हाईवे को, तो आप उस रोड पे जा सकते हैं ताकि आप अपना स्पीड को कम करके चला सकें।
तो वहाँ पे अगर आपको मतलब उतना ज़्यादा अगर एक्सप्रेस वे में 120 किलोमीटर पर आवर अगर हिसाब से चल रहा है गाड़ी, तो वहाँ पे अगर आप उतना सफिशियंट नहीं है चलाने के लिए, तो आप साइड से सर्विस रोड के जरिए जा सकते हैं। फिर आता है साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक मतलब नाम से ही अगर आपको पता चल रहा होगा कि साइकिल ट्रैक मतलब क्या, पार्किंग ऑफ साइकिल्स मिनिमम समझिए, जो अर्बन एरियाज में बनाया जाता है। साइकिल ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई, मिनिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर इज रिक्वायर्ड, बीच में भी इंक्रीज बाई 1 मीटर फॉर एवरी एडिशनल ट्रैक। जो ट्रैक बनाया जाता है, जो रास्ता बनाया जाता है साइकिल ट्रैक के लिए, वो अगर साइकिल का वहाँ पर ज़्यादा यूजेज हो रहा है, तो हम वहाँ पर हम लोग साइकिल ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं, साइकिल ट्रैक को बनाते हैं, ताकि क्या हो, वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं हो जाता। देखिए अगर रोड है, रोड पे अगर साइकिल आप चलाइएगा बहुत सारा साइकिल, और अगर गाड़ियाँ भी चल रही है, तो एक्सीडेंट के ज़्यादा संभावना रहेगा। अगर यही रोड के किनारे क्या होगा, एक छोटा सा स्मॉल साइकिल ट्रैक बना दिया जाए, तो इस पर साइकिल आराम से जाएगा, इस पर एक्सीडेंट का बहुत ही कम चांसेस होगा। इसके बाद में देखिए फुटपाथ। फुटपाथ मतलब क्या, जहाँ पर आदमी चल सके, जहाँ पर ह्यूमन्स लोग चलते हैं रोड के किनारे, उसको मिनिमम फुटपाथ हम लोग समझते हैं। फुटपाथ्स आर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वे टू द पेडेस्ट्रियन, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो पेडेस्ट्रियन होता है, उसी राइट ऑफ वे टू द पेडेस्ट्रियन, जो वहाँ पे कैरिक वे होता है, उसी के किनारे क्या पेडेस्ट्रियन को बनाया जाता है, जिसको हम लोग फुटपाथ्स के नाम से जानते हैं। दे आर प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन, ये प्रोवाइड किया जाता है पेडेस्ट्रियन के सेफ्टी के लिए, जो वहाँ पे चल रहे हैं, जो ह्यूमन्स वगैरह, उनके सेफ्टी के लिए। मेन बोथ द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एंड वेहिकुलर ट्रैफिक इज हाई, मिनिमम विड्थ इज 1.5 मीटर एंड मे बी इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन ट्रैफिक। देखिए जो वहाँ पे ट्रैफिक अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग और ज़्यादा फुटपाथ को बढ़ा सकते हैं। द फुटपाथ शुड बी आइदर एज स्मूथ एज द पेमेंट और स्मूदर दैन दैट टू इंड्यूस द पेडेस्ट्रियन टू यूज फुटपाथ। ये देखिए, चाहे तो आप पेडेस्ट्रियन या फुटपाथ को रोड से ज़्यादा ही स्मूथ बनाया जाता है, ताकि जो वहाँ पे मेंबर हों, उनको वहाँ पे चलने में कठिनाई नहीं हो, और रोड के छोड़ के वो फुटपाथ पे चलें, ताकि उनको लगे कि हाँ ये अच्छा है, फुटपाथ अच्छा है। इसलिए अब उसका यूज करने के लिए उसको प्लेन बनाया जाता है। अब देखिए गार्ड रेल्स, इसके बाद आता है रोड मार्जिन्स में लास्ट पॉइंट हमारा गार्ड रेल्स। दे आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द सोल्जर यूजुअली व्हेन द रोड इज एन एम्बैंकमेंट, अगर रोड एम्बैंकमेंट शेप में है। एम्बैंकमेंट मतलब क्या, कि जो हॉरिजेंटल लेवल, जो अर्थ सर्फेस से कुछ हाइट पे रोड को बनाया जा रहा है, कुछ हाइट पे अगर रोड को बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे एम्बैंकमेंट टाइप रोड बनता है। तो उसमें क्या होता है, एक वहाँ पे रेलिंग टाइप बनाया जाता है, जिसको हम लोग गार्ड रेल बोलते हैं। गार्ड रेल का वहाँ पे काम होता है क्या, सेफ्टी ऑफ मूविंग व्हीकल्स। अगर मूविंग व्हीकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या यहाँ पे गार्ड रेल से क्या हो जाएगा, वो बच सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। मिनिमम गार्ड रेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिज एरियाज में कि ड्यू टू वहाँ पे एम्बैंकमेंट शेप में रोड बनाया जाता है ब्रिज के बाद में, इस टाइप में हम लोग गार्ड रेल का वहाँ पे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके बाद में जहाँ पर भी अगर एम्बैंकमेंट रोड है, वहाँ पे हम लोग गार्ड रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए स्पेशली व्हेन द हाइट ऑफ द फील एक्सीड 3 मीटर, अगर फीलिंग मतलब कि जो एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, अगर उसका हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो जाए, तो हम उस गार्ड रेल का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस डिजाइन ऑफ गार्ड रेल्स आर देयर, गार्ड स्टोन्स पेंटेड इन अल्टरनेटिव ब्लैक और वाइट पेंट, वाइट और यूजुअली यूज्ड, दे आल्सो गिव बेटर विजिबिलिटी टू कैब्स एट द नाइट एंड हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स। देखिए जो गार्ड रेल्स का मतलब बहुत सारा टाइप होता है, जैसे एक टाइप कि जैसे बहुत सारा स्टोन का हम लोग वहाँ पे बना दें स्टोन मशीनरी के द्वारा या सीमेंट मशीनरी के द्वारा, अगर उसको हम लोग पेंट करा दें वाइट और ब्लैक में, तो नाइट को भी जो ड्राइवर का विजन वहाँ पे अच्छे से हो सकता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण जो वहाँ पे नाइट व्हीकल्स में जो गाड़ियाँ चलेगी, तो उनका जो लाइट होगा, जो फ्रंट लाइट होगा, उसके जरिए उनको अच्छे से मालूम चल सकता है। जिससे चलते क्या, जो हम लोग गार्ड रेल्स का जो वहाँ पे कलर रखते हैं, चाहे तो हम लोग ब्लैक और वाइट रखें या ब्लैक और येलो रखते हैं, यही दो मतलब पेयर होता है, जिसको हम लोग ज़्यादातर गार्ड रेल्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है विड्थ फॉर्मेशन। अब देखिए विड्थ फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे आगे विड्थ फॉर्मेशन और रोड वे विड्थ इज द सम ऑफ विड्थ ऑफ द पेवमेंट और कैरिंग वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स एंड सोल्जर्स।
This does not include the extra land information or cutting. The values suggested by IRC, India Road Congress are given in figure. देखिए सबसे आगे width of formation के मतलब क्या होता है कि सम होता है width of pavement और carriage way का, ये जिसमें हम लोग include करते हैं separators को जो काम से बनाया जाता है उसको और soldiers को, ठीक है। ये extra land को include नहीं करता है जो हम लोग कटिंग में यूज करते हैं, उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। तो मिनिमम क्या समझते हैं हम लोग, जो कैरिंग वे होता है और जो पेमेंट कैरिंग वे को, और सिर्फ देखिए तीन चीज़ को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिर्थ फॉर्मेशन, कैरिंग वे, सेपरेटर्स एंड सोल्जर्स। अब देखिए जो IRC इंडिया रोड कांग्रेस एक स्पेसिफिकेशन दिया है फॉर्मेशन बिर्थ को, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे आगे क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, NHSH, MDR, ODR, VR, ये सब आप लोग जानते होंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में क्या, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन, अगर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन रहेगा तो ये सेकंड टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में आता है माउंटेनियंस एंड स्टीप ट्रेन, अगर माउंटेनियंस एंड स्टीप ट्रेन रहा तो इस टाइप में हम लोग इस जो कॉलम के जरिए समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा NHSH, अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में अगर बात किया जाए तो रोलिंग ट्रेन का, अगर रोलिंग ट्रेन जो होता है 12 होता है और जो स्टीप ट्रेन होता है 6.25 to 8.8 MDR, जो मिनिमम वहाँ पर MDR अगर होगा तो MDR में 9 होता है रोलिंग ट्रेन और स्टीप ट्रेन का जो वैल्यू होता है 4.75। देखिए ODR जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में हम लोग 7.5 to 9.0 meters लेते हैं रोलिंग ट्रेन का, और स्टीप ट्रेन में 4.75 meters अप्रॉक्स लेते हैं। उसके बाद VR विलेज रोड में देखिए 7.5 meters हम लोग लेते हैं रोलिंग ट्रेन में और 4.4 meters लेते हैं हम लोग स्टीप ट्रेन में और माउंटेनियंस ट्रेन में। अब देखिए राइट ऑफ वे हम लोग आगे समझते हैं। राइट ऑफ वे का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ वे जिसको ROW से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा राइट ऑफ वे का शॉर्ट फॉर्म में ROW बोला जाता है। अब देखिए और लैंड बिर्थ, इज द बिर्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड। राइट ऑफ वे क्या होता है, ये लैंड होता है कि कितना रोड के लिए ज़रूरत है। अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट का बनाने के समय इट शुड बी एडिक्वेट टू अकोमोडेट ऑल द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द हाईवे एंड मे रीजनेबल प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। ये देखें राइट वे और राइट ऑफ वे को हम लोग इस टाइप में समझते हैं कि टोटल जो सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होता है हाईवे का उसमें आ जाना चाहिए, और क्या फर्दर जो डेवलपमेंट फ्यूचर डेवलपमेंट में अगर हम लोग और रोड को बनाना चाहें तो उसमें हम लोग ROW में उसको अभी लेकर चलते हैं राइट ऑफ वे में। देखिए उसके बाद में टू प्रिवेंट रिवन डेवलपमेंट अलोंग द हाईवेज कंट्रोल लाइंस एंड बिल्डिंग लाइंस में बी प्रोवाइडेड। ये देखिए जो वहाँ पे बिल्डिंग लाइंस के लिए राइट ऑफ वे को बनाया जाता है कि वहाँ पे कितना दूरी पे बिल्डिंग लाइंस होगा या कितना दूरी पे कंट्रोल लाइंस या हाईवेज इस टाइप में बनाया जाता है। कंट्रोल लाइंस अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स द नियरेस्ट लिमिट ऑफ द फ्यूचर कंट्रोल्ड बिल्डिंग एक्टिविटी इन द रिलेशन टू अ रोड। देखिए कंट्रोल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो बताता है कि फ्यूचर में अगर रोड को हम लोग बढ़ाएंगे तो कहाँ तक बढ़ाएंगे। अगर आप लोग गौर कर किए होंगे तो अगर कोई भी रोड हो तो रोड के किनारे देखिएगा जो अगर कुछ मतलब बोलें तो 30 से 40 meters के बाद में क्या होता है, हर एक रोड के बाद में एक छोटा छोटा क्या होता है पिलर होता है सीमेंटेड स्ट्रक्चर का जिसमें कुछ वैल्यू लिखा जाता है और उसमें वैल्यू में बताया जाता है कि कितना मीटर की यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यह गवर्नमेंट एरियाज का रोड है या गवर्नमेंट एरिया है। तो इसमें कुछ एरिया छोड़ दिया जाता है। आप लोग अगर रेलवे लाइंस में भी देखे होंगे कि रेलवे लाइंस के बाद में क्या होता है कुछ सीमेंटेड स्ट्रक्चर 30 to 40 meters के बाद में छोड़ा जाता है, उसमें सीमेंटेड स्ट्रक्चर पिलर टाइप होता है उसमें, वहाँ तक अगर आप लोग देखे होंगे कि हर एक 10 to 12 meters हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के बाद में एक एक दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जितना जो वहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जो वहाँ पे लाइन जा रहा है वो इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ये लाइन बताता है कि कितना दूरी तक रोड के बाद में फ्यूचर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट यूज कर सकती है उस लैंड को। जहाँ पर आप लोग कंट्रोल लाइन को समझ गए होंगे बिल्डिंग लाइन्स। अब देखिए बस वेज हम लोग पढ़ चुके हैं थे, गार्डरेल्स हम लोग विड्थ फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर चले गए हैं थोड़ा सा। हम अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए थे इस टाइप में राइट ऑफ वे में हम लोग आए थे
राइट ऑफ वे के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब देखिए राइट ऑफ वे यहाँ पर ही हम लोग थे। अब देखिए यहाँ पे अब बिल्डिंग लाइन रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड बिटवीन बीच द रोड नो बिल्डिंग एक्टिविटी इज परमिटेड एट ऑल द राइट ऑफ वे विड्थ इज गवर्न्ड बाय विड्थ फॉर। देखिए जैसे राइट ऑफ वे क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब कि वहाँ पे एरिया छोड़ा जाता है राइट ऑफ वे ताकि उसमें कोई बिल्डिंग नहीं बना सके। वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एरिया गवर्नमेंट का है, इसी चलते हम लोग राइट ऑफ वे को छोड़ते हैं ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट में हम लोग को हेल्प कर सके। अब इसके बाद में देखिए विड्थ फॉर्मेशन। देखिए विड्थ फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग सबसे आगे विड्थ फॉर्मेशन को समझते हैं कि विड्थ फॉर्मेशन ये पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द हाईवेज एंड विड्थ ऑफ द रोड बेस एंड रोड मार्जिन। विड्थ फॉर्मेशन तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ रोड वे, रोड मार्जिन एंड हाईवेज पे, कि किस टाइप में हाईवे है या कितना विड्थ ऑफ रोड है, रोडवे है, तो उसी टाइप में विड्थ फॉर्मेशन वहाँ पे डिपेंड करता है। फिर आता है हाइट ऑफ एम्बैकमेंट और विड्थ ऑफ कटिंग। ये देखिए इट इज़ गवर्न्ड बाय द टोपोग्राफी एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, जो वर्टिकल अलाइनमेंट हम लोग कितना ले रहे हैं उसी के आधार पे एम्बैकमेंट बनाया जाता है। साइड स्लोप्स ऑफ एम्बैकमेंट और कटिंग इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द स्लोप सॉइल इटीज, ये स्लोप पे डिपेंड करता है कि कितना साइड स्लोप हम लोग लेके चलें। फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम एंड देयर साइज विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल ऑफ टोपोग्राफी, कि उस एरिया में कितना ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है या उस एरिया का टोपोग्राफी क्या है, इस पर डिपेंड करता है ड्रेनेज सिस्टम एंड देयर साइज, उसका साइज कितना हम लोग लेंगे या ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इस टाइप में साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन ऑन कर्व्स इटीसी दिस देयर इज रेस्ट्रिक्शन टू द विजिबिलिटी टू द इनकर साइड ऑफ द कर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर। देखिए जो साइड डिस्टेंस होता है कंसीडरेशन, ये साइड डिस्टेंस हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि जो जैसे देखिए यहाँ पे एक अगर रोड जा रहा है, इधर से एक रोड आ रहा है, तो ये जो साइड डिस्टेंस हम लोग इस टाइप में लेते हैं ताकि जो अगर यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है तो इस गाड़ी को पता चल सके कि यहाँ पे जो गाड़ी आ रही है कि यहाँ से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग साइड डिस्टेंस को लेते हैं ताकि ये हेल्प कर सके जो रोड क्रॉस सेक्शन में विजिबिलिटी के लिए, जो ड्राइवर को हेल्प करे को अपना स्टेयरिंग को अच्छे से वहाँ पे चला सके। फिर देखिए रिजर्व लैंड फॉर फ्यूचर वाइडनिंग, सम लैंड हैज़ टू बी एक्वायर्ड इन एडवांस एंटीसिपेटिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स लाइक वाइडनिंग ऑफ रोड। अगर वाइडनिंग ऑफ रोड्स के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ लैंड को छोड़ देते हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट में अगर हम लोग रोड को बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्ड लैंड इज एम्फसाइज्ड बाय द फॉलोइंग, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द लैंड इज अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड साइड फैसिलिटीज। देखिए जो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए हम लोग लैंड छोड़ते हैं इसलिए ताकि जो फ्यूचर में अगर हम लोग रोड को चाहें कि अगर और ज़्यादा बड़ा कर सकें तो उसमें और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लैंड एक्वानाइजेशन इज नॉट पॉसिबल लेटर, बाद में लैंड एक्वानाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे तो रोड के 10 to 12 meters के बाद में बिल्डिंग बनाया जाता है, तो अगर हम लोग 10 to 12 meters अगर नहीं छोड़े तो बिल्डिंग क्या, सब लोग देखिएगा ज़्यादातर जो एरियाज होते हैं जो अर्बन एरियाज में होते हैं रोड के किनारे किनारे ही बिल्डिंग बना लिया जाता है, तो उसमें जब अगर हम लोग वाइडनिंग ऑफ रोड के लिए चाहें भी तो ये सब जो बिल्डिंग होगा इसको हम लोग को तोड़वाना पड़ेगा, तो इस तरह हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं 10 to 12 meters अप्रॉक्स छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ही बोला जाता है बिल्डिंग को बनाने के लिए। द नॉर्मल ROW जो राइट ऑफ वे का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है बिल्ट अप ओपन एरियाज में होता है स्पेसिफाइड बाय IRC, जो IRC इंडियन रोड कांग्रेस है जो ROW को यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वैल्यू बताया है। सबसे फर्स्ट में देखिए अगर प्लेन और रोलिंग ट्रेन रहा तो NHSS में 45 meters छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में अगर MDR रहा मिनिमम डिस्ट्रिक्ट रोड रहा तो उसमें 25 meters हम लोग को प्लेन एरिया में छोड़ना पड़ता है और माउंटेनियंस में 18 meters। अब देखिए ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड रहा तो प्लेन में 15 meters और ओपन एरियाज प्लेन ये दोनों सेम ही है तो इसमें 15 meters और जो माउंटेनियंस और स्टीप रीजन होगा उसमें भी 15 meters। VR अगर विलेज रोड है तो विलेज रोड में भी हम लोग 12 meters छोड़ते हैं ओपन एरियाज और प्लेन में और 9 meters छोड़ते हैं माउंटेनियंस में। अब देखिए यहाँ पे बिल्टअप एरिया आता है, ये तो हमारा था ओपन एरियाज, अब बिल्टअप एरिया अगर रहा तब बिल्टअप एरिया रहेगा तो NHSS नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में
30 मीटर हम लोग छोड़ते हैं प्लेन में और 20 मीटर छोड़ते हैं माउंटेनियंस और स्टीप में। MDR मिनिमम डिस्ट्रिक्ट रूट में 20 मीटर छोड़ते हैं प्लेन में और उसके बाद में 15 मीटर छोड़ते हैं माउंटेनियंस में। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में सेम है 15 मीटर प्लेन और 12 मीटर स्ट्रिप और माउंटेनियंस। विलेज रोड भी सेम 10 मीटर क्या हो जाएगा प्लेन में और 9 मीटर हो जाएगा स्टीप और माउंटेनियंस में। तो हम लोग देखें यहाँ पे, आप देखिए रोड विड्थ यहाँ पे कुछ फिगर बना दिया गया है ROW का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राइट ऑफ वे का यहाँ पे फिगर बनाया गया है। देखिए राइट ऑफ वे का फिगर बनाया गया है, इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे आगे देखिए कि ये कैरिक वे होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैरिक वे कैसे बनाया जाता है, इतना सारा आप पढ़ चुके हैं तो कैरिक वे आपको समझ में आ गया ही होगा। कैरिक वे होता है, कैरिक वे के बाद में ये देखिए रोडवे, यहाँ से यहाँ तक पूरा रोडवे होता है। और उसके बाद में इसी एस से डिनोट किया गया है जिसको ये सोल्जर बोला गया है कि यहाँ से यहाँ सोल्जर है। और उसके बाद में देखिए ये टोटल जो यहाँ से यहाँ होता है इसको रोडवे बोला गया है। और जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड होता है रोड के एलिमेंट्स के लिए और क्रॉस सेक्शन के लिए उसको राइट ऑफ वे के नाम से हम लोग जानते हैं जो ये है। और उसके बाद में देखिए रोड मार्जिन का जो वैल्यू आता है सोल्जर्स के बाद और राइट ऑफ वे का जो लास्ट एंड होता है ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, जिसको हम लोग मिनिमम ड्रेनेज को बनाते हैं। आप लोग यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस फिगर को। इसके अगले में हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाला वीडियो में डिजाइन स्पीड के बारे में। इस वीडियो का हम लोग यहाँ तक ही एंड करते हैं। अगर इस वीडियो का आपको लेक्चर का नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट चाहिए हमसे तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से आप हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक एंड करते हैं। अगर जो इस वीडियो में न्यू मेंबर थे हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और सब वीडियो को जाकर देखें और ऑल प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास चालू है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।